नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी भी साधना में इनिशिएट हो जाते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी साधना स्टार्ट करते हैं पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट हो गए होंगे या फिर कुछ लोग ईशा क्रिया करते होंगे या उपयोगा करते होंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। सो किस तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाए उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आई होप कि शायद इसको देखने के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप अपनी साधना में कंसिस्टेंट रहें। सो अगर आपसे कोई कभी कुछ पूछे ऐसा कि आप को कोई ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत है जिसमें ये बताया जा रहा हो कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन ईटिंग फूड, नहीं खाना आपको 3 टाइम चाहिए या 2 टाइम चाहिए, जो जितना भी आप खाते हैं, शाम की चाय, सुबह की चाय, ये कंसिस्टेंटली चाहिए और ये कंसिस्टेंटली आप लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा। खाने की आपको ज़रूरत है या फिर कुछ चीज़ें आप बाहर जाके खाते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोमोज़, गोलगप्पे वगैरह वगैरह ये डेली बेसिस पर खाते होंगे। हाउ टू ईट डेली मोमोज, ऐसा कभी कोई वीडियो आपने देखा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं देखो। हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन ईटिंग मोमोज, ईटिंग गोलगप्पाज और ईटिंग ड्रिंकिंग टी वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में कभी भी आपने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा। ये आपके अंदर से ऐसा फील आता है कि मुझे मुझे जाना है, मुझे खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आपको चाहिए। इधर आपको उसका टेस्ट पसंद है या फिर वो चीज़ आपके शरीर के लिए बढ़िया है, ये 2 ही बातें हो सकती है, या तो उसका टेस्ट पसंद है या वो आपके शरीर के लिए बढ़िया है, इसलिए आप कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग करते रहते हैं करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम पे रील्स देखने, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते हैं। तो यही कि वाई टू हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन अवर साधना, ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? या तो पहली बात, आपको ये नहीं पता कि आप साधना क्यों कर रहे हैं, या फिर आपने अभी तक ये फील नहीं किया है कि साधना आपके साथ क्या कर सकती है, आपको किस तरीके से एनहेंस कर सकती है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप कभी भी नहीं करोगे, हो ही नहीं सकता, कंसिस्टेंटली आप करने वाले ही नहीं हो। या फिर दूसरा, आपको फील नहीं आया है कि इसे करके ऐसा होगा तो, या इस वो करके आपको अभी कोई टेस्ट नहीं मिला होगा तो आप उस टेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे। 3 4 दिन करोगे और सोचोगे यार ये करके तो कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। सो यही रीज़न्स हैं, आप पूरा पाथ ट्रैवल करने की कोशिश नहीं करते हो, कम से कम 1 1.5 महीना ट्रैवल करके तो देखो, क्या पता कुछ हो जाए। सो बेसिकली साधना हम लोग करते क्यों हैं, कोई भी जैसे शांभवी महामुद्रा हो गई या ईशा क्रिया, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो फिज़िकल और मेंटल लिमिटेशंस हैं ये एनहेंस हो और लिमिटेशंस ब्रेक हो एक तरीके से, हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फिज़िकल और मेंटल लिमिटेशंस ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक होने का मतलब क्या होता है ये नहीं पता। पर फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातें, अगर कोई किसी को कुछ बोल के चला गया, किसी ने आपके बॉस ने डांट दिया, मम्मी पापा किसी ने डांट दिया, तो दिन भर आपके दिमाग में वही बात चलती रहेगी। आपका माइंड या तो उस बात को काटने की कोशिश करेगा या आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करो, यही 2 बातें हो सकती हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको तो मैं बताऊंगा अगली बार, ऐसा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी और इसकी वजह से आप पूरा परेशान रहोगे दिन भर। यही लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए साधना करी जाती है। अगर ये आपको इतना एहसास हो जाएगी, ये लिमिटेशन एक ना एक दिन ब्रेक होंगे, धीरे धीरे होंगे पर होंगे ज़रूर। अगर आपको ये क्लियर है तो आप साधना करोगे, या फिर साधना करके आपको अपनी एनर्जीज में राइज मिला हो या आपकी बॉडी के अंदर प्लेजेंटनेस इंक्रीज हुई होगी तो आप वो साधना करने की कोशिश ज़रूर करोगे। और ऐसा ऐसा होता है कि हमारा और एक और चीज़ हो सकती है, आपके अंदर आलस इतना ज़्यादा है कि आपको सोना ज़्यादा पसंद है और साधना छोड़ देना, छोड़ना आप साधना छोड़ सकते हो सोने के लिए, आपके अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आप कुछ आपकी कुछ चाहत नहीं। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं लेकिन वो खाना नहीं छोड़ पाते हैं, खाते रहेंगे और जब वो एक मतलब ख़त्म होने वाले हैं या एक ऐसी जगह स्टेट में पहुंच गए जब वो बीमारियाँ लग रही है, तब जाके वो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोग हैं तो फिर आप उस दिन का इंतज़ार करिए जब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपके सामने बहुत ही कम रास्ते बचे होंगे, आपको फोर्सफुली एक पर्टिकुलर वे पाथ में जाना पड़ेगा या डॉक्टर्स के पास जाके आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। सो अगर आप ऐसी स्टेट अचीव करना चाहते हो, उसके बाद कोई चीज़ करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन
अगर आप अभी से अपने ऊपर काम करना चाहते हो तो आप साधना में कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, 4 दिन आपने किया मजा आया 4 दिन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 4-5 दिन करा मजा आया, 5वें दिन से मजा आना बंद हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। कम ऑन, हर दिन क्या एक जैसा जाता है? नहीं, हो ही नहीं सकता, हर दिन एक जैसा जा ही नहीं सकता, हर दिन एक जैसा मजा आपको नहीं मिल सकता। बिकॉज वट साधना इज डूइंग विद इन योर सेल्फ इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि आपका शरीर हर दिन एक जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, एक जैसे आपका जो कार्मिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। हर दिन अलग अलग तरीके से चीज़ें होंगी। क्या हर दिन एक जैसा आपने खाना खाया? नहीं खाया। क्या हर दिन सूर्यदेव एक ही तरीके से निकले? हर दिन एयर फ्लो एक जैसे ही हो रही? हर दिन आपने पानी सेम अमाउंट में पिया? हर दिन आपके अगल बगल वाले जो लोग हैं उन्होंने एक जैसा बिहेव किया? नहीं बिहेव किया। तो आपको हर दिन एक जैसा कैसे फील हो सकता है? बाहरी जो चीज़ें हैं उनका इफेक्ट अभी आपके ऊपर पड़ रहा है, इस वजह से आपकी साधना हर दिन एक जैसा काम नहीं कर पा रही है। वो आप क्या कैसी चीज़ें अंदर अंदर इंटेक कर रहे हो, और दूसरा आपके अंदर पहले से कितनी चीज़ें भरी हुई थी। जब एक नाली साफ होती है ना, तो पहली लेयर जब हटाओगे तो लगेगा थोड़ा साफ हो रही है, लेकिन जैसी जैसी वो लेयर खुलती जाएगी और आप अंदर जाते जाओगे तो बदबू आने लगेगी। तो हो भी सकता है कि कुछ टाइम आप करो तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहो, क्योंकि इस समय नाली साफ हो रही है, कचड़ा साफ किया जा रहा है। कुछ लोग इसलिए छोड़ते होंगे कि मैंने 3-4 महीने करा, अब मैं फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा हूँ, शुरू शुरू में मज़ा आता था। यही तो की पॉइंट है कि आपको लगातार लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। अब आपकी लिमिटेशन ब्रेक होने लगी है। कुछ लोग स्टार्टिंग में दौड़ने जाते हैं, 4-5 दिन दौड़ते हैं, उसके बाद उनको अगर थोड़ी सी लिमिट ब्रेक करनी है, 3-4 राउंड दौड़ते थे पहले, 3-4 चक्कर मारते थे एक जगह के, फिर अगर अगले दिन हम कहें 5-5 चक्कर दौड़ने हैं, तो कुछ लोग आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमसे नहीं दौड़ा जाएगा। और जो लोग 5 चक्कर दौड़ने की कोशिश करेंगे उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन किस दिनों के बाद वो अपनी वो लिमिट भी ब्रेक कर चुके होंगे। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने लिमिटेशंस के अंदर रहना चाहते हैं या लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं? क्योंकि ये लिमिटेशन आज नहीं तो कल आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलने वाले हैं। या तो फिजिकली वो बाहर निकलेगा, या मेंटली मेंटल लेवल पर आप डिस्टर्ब रहने वाले हो। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3-4 महीने करा, स्टार्टिंग में मज़ा रहा था, 3-4 महीने के बाद कोई रिजल्ट नहीं दिखा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट ज़रूर ज़रूर आएगा। देर इज़ नथिंग इन दिस यूनिवर्स लाइक कि इफ़ यू डू एनी एक्शन और उसका रिजल्ट ना मिले, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल मैनिफेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा समय के बाद मैनिफेस्ट कर रहा है तो बहुत बड़ा होके करेगा, और अगर थोड़ा टाइम ले रहा है, उतनी ही टाइम में मैनिफेस्ट हो गया तो रिजल्ट उसका इक्वलेंट अपोजिट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा समय ले रही है चीज़, तो देखना जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा तो वो फ्लावर ही बन के आएगा आपके सामने। जब कभी आपने गुलाब का फूल खिलते हुए देखा होगा ना, तो धीरे धीरे खिलता है वो, खिलता है खिलता है खिलता है, फिर जिस दिन खिलता है तो बहुत ज़बरदस्त खिलता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में खिल जाते हैं या 2 दिन में खिलते हैं। गुलाब का फूल इट विल टेक टाइम, पहले कली होगी, फिर धीरे 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 खिलेगा और इतना बड़ा दिखेगा आपको लास्ट में आके, और बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। कंसिस्टेंसी आपको इस तरीके से लेके जा सकती है, फ्लावर जो है वो आखिरी में आपको खिला हुआ मिलेगा। आप कितना काम करना चाहते हैं, आपका शरीर कैसी ज़मीन की तरह काम कर रहा है कि जो बीज उसके अंदर डाला गया है उसको वो खिलने देगा या नहीं देगा? आप रेगुलरली अपनी साधना नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर किसी को कभी कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी जिसका इलाज लंबा करना है, लंबा इलाज होगा, और अगर आप बीच में एक दिन भी दवाई मिस करते हो तो फिर से वही कोर्स रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो इलाज होना है, जिस भी चीज़ का इलाज होना है, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक आपको रेगुलरली दवाई खानी है, रेगुलरली दवाई खानी है। कंसिस्टेंट क्यों रहे, ये सबसे पहली बात तो यही है कि आपको लिमिटेशंस ब्रेक करनी है। बस अगर लिमिटेशंस ब्रेक करनी है तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी साधना करेंगे रेगुलरली। अगर नहीं रहना है, शिकायतें ही करती रहनी है ज़िंदगी भर, तो कंसिस्टेंसी आप छोड़ दोगे। आपको अभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं मालूम जो आपको दी गई है, जो आपको दी गई, जो साधना आपको दी गई है, उससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई साधना आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, आपने कुछ समय तक करके देख लिया, तो आप किसी और साधना में जाके किसी और जगह जाकर साधना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। और अगर आपको कोई साधना करनी ही है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सजेशन दे सकता हूँ। आप जो मैंने करा है, मैंने इनर इंजीनियरिंग करी थी, जिसमें मैंने शांभवी माँ मुद्रा सीखी थी। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग तो मैंने ईशा क्रिया, नाड़ी शुद्धि, ओम चैंटिंग, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, मैंने इनसे स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैं शांभवी माँ मुद्रा पे आया। शांभवी माँ मुद्रा मैं अभी भी करता हूँ।
हठ योगा सीख, हठ योगा के अंदर मैंने अंगमर्दना सीखा, योगासना सीखा, भूत अशुद्धि सीखा। इस समय पर मैं ये सारी की सारी चीज़ें करता हूँ और इनसे जो रिजल्ट मेरे को मिले हैं वो दे आर अनबिलीवेबल। लेकिन अगर आपको सदगुरु को फॉलो नहीं करना, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। यू कैन फॉलो फॉलो श्री एम, श्री एम भी किसी क्रिया में आपको इनिशिएट करते हैं। श्री एम आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और एक और जो ट्रस्टेड योगा सिखाते हैं जो लोग, वो है सिद्ध समाधि योगा, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। या फिर योगानंदा परमहंसा का जो क्रिया, जो ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर है, उसमें भी जाके आप क्रिया योगा सीख सकते हैं। इसके अलावा जो श्री राम कृष्ण परमहंस वाला ऑर्डर है, आप वहाँ पर भी जाकर चीज़ें सीख सकते हैं। पहले ऑनलाइन सर्च करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप ये मत कमेंट करिए कि कहाँ पर मिलेगा, आप प्लीज़ ऑनलाइन जाके सर्च करो। बहुत सारे, सारा का सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं पर वो रिजल्ट आके मिल जाएगा। ओके, सो ये सारी जगह आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और इन यहाँ पर जाकर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साधना ले सकते हैं। श्री ओम स्वामी भी आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको ऑथेंटिक चीज़ ही मिलने वाली है, जितना मेरा एनालिसिस रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। जैसे लियोनेल मेस्सी कहते हैं कि आई वर्कड डेली फॉर 17 ईयर्स एंड 114 डेज। सुबह जल्दी जाता था, शाम को देर से आता था, सुबह जल्दी जाता था, शाम को देर से आता था। तो मुझे 17 साल और 114 दिन लगे ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए। मतलब अगर एक आदमी सक्सेस पा रहा है तो उसके पीछे का जो पाथ है वो हमको वो देखना चाहिए कि उसने क्या फॉलो किया था, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने फॉलो किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपको पता है, वो आज की डेट में भी टॉप प्लेयर्स में आ रहे हैं। ज़लाटन इब्राहिमोविक, ये भी जो है ये इतने खतरनाक 40-42 साल के शायद, और अभी भी टॉप फुटबॉलर्स में आते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? बिकॉज दे आर पुटिंग एवरीथिंग इन द प्रैक्टिस, एवरीथिंग इन द प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट अपनी प्रैक्टिस पे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सुबह और शाम अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को करेंगे तभी जाके आप सक्सेस पे जाओगे, सक्सेस सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने करा छोड़ दिया। जो साधना दी जा रही है तो लाइफ टाइम के लिए है ना, जब तक आप लिबरेट नहीं होते तब तक के लिए है ये। जिस दिन आप लिबरेटेड हो जाओगे, आपको फील हो रहा है कि मैं मुक्त हो चुका हूँ, तब आप उस दिन छोड़ सकते हैं। लेकिन टिल देन यू हैव टू वर्क अपॉन सेल्फ। कब तक साधना करूंगा? जीवन भर साधना करनी पड़ेगी। अगर आप मुक्त नहीं हो, जब तक आप मुक्त नहीं हो रहे तब तक साधना कर रहे हैं। वैसे सदगुरु कहते हैं कि जीवन भर का बोझ क्यों लेते हो, केवल आज साधना करो, आज करनी है, कल का मुझे क्या पता, पर आज करनी है, आज किसी भी हाल में करूंगा करूंगा। हमारा तो ये रूल है, नो साधना नो फूड। खाना छूट जाए लेकिन साधना नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा 12-1 बज जाए खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे पर पहले साधना करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो साधना कैसी होगी, और हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो साधना कैसी होगी। कम ऑन, आपने कभी ये सोचा कि इस बारे, मतलब ये आपके मन में ख्याल है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगा तो मैं खाना कैसे खाऊँगा? अरे भैया, आप खाना भी खाते हो तो साधना नहीं कर सकते क्या? क्या बस में ट्रैवल करते हुए कुछ चीज़ें खाते पीते नहीं हो गया तो साधना नहीं कर सकते क्या? ट्रेन में साधना करना बड़ा आसान रहता है, और बस में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट बस का ट्रैवल इतना लंबा नहीं होता है। घर में मेहमान आए हुए हैं कि साधना कैसे करूँगा, वो क्या बोलेंगे? जब आप सोते हो तब कुछ बोलते हैं क्या वो लोग? आप रेस्ट ले रहे हो, आप अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो, जिस समय आप खाना खा रहे हो तभी भी कुछ बोलते हैं, ये क्या खाना खा रहा है, ऐसा तो नहीं बोलता कोई। तो साधना आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के, खाना क्यों खा रहे हो? अपनी ग्रोथ के लिए। जिम जाते हैं लड़के, जिम जाने वाले लड़कों को वाह वाह मिलती है, और जो लोग साधना करते हैं उनको ऐसे बोलते हैं, भाई क्या कर रहा है ये, क्या रखे हैं इन चीज़ों में, बाहरी चीज़ों के मजे ले, तुम्हें क्या पता कि ये करके क्या मज़ा आता है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी चीज़ें। स्ट्रेंथ केवल फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटल लेवल पर भी। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साधना करके, अंग हठ योगा करके ना, 6 पैक्स आते हैं, आ जाएंगे, आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है, और बॉडी ऐसी हो जाएगी, यू विल लाइक फ्लो, यू विल फ्लो मैन, यू कैन फ्लो विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योगा, हठ योगा। दिन भर काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इस तरीके से सेम सुबह 6 बजे 4 बजे उठे,
3-4 बजे उठे, शाम तक 11-12 बजे तक चल रहा है काम सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी के साथ, फिर 3-4 घंटे सो रहे, फिर सुबह उठ रहे, सेम इंटेंसिटी से काम चल रहा है, कैसे? बिकॉज ऑफ दैट साधना, बिकॉज ऑफ दिस साधना, यू आर पुटिंग योर एफर्ट इन दिस साधना, एंड देन योर साधना विल गिव यू रिजल्ट। और अगर आप साधना में कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप अपनी साधना का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो देखना जिस दिन आपको साधना की, जिस दिन सारी चीज़ें आपका साथ छोड़ देंगी, उस दिन आपकी साधना आपके काम आएगी, आपके काम आने ही वाली है, वो आपका साथ नहीं छोड़ सकती। साधना इज दैट थिंग जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, कभी भी छोड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप वो आप अपने साथ कर रहे हो, आप अपने साथ, हाँ आप अपने साथ कर रहे हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपने अपना साथ छोड़ दिया बट आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बिस्तर में बीमार पड़े हो, बुखार आ रहा है जबरदस्त जबरदस्त, आपकी हालत ख़राब हो रही है, आपका माइंड भी साथ छोड़ चुका है, यार अब तो हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन आपकी साधना विल कीप यू अप। मेरे साथ ये मेरे लिविंग एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मुझको भी जब सेकेंड या थर्ड वेव आई थी कोरोना की, उस समय ज़बरदस्त फीवर हुआ था, लेकिन वो फीवर मुझे 1 या 2 दिन रहा, उसके बाद इट वैनिश्ड। और दूसरी बात, रहा तो रहा लेकिन फीवर आ रहा है, लेकिन मेरी बॉडी एक अलग ही लेवल ऑफ प्लेजेंटनेस में है, बिकॉज मैंने अपनी साधना में जो एफर्ट डाले थे ना, वो मुझे प्लेजेंट रख रही है। और मेरे कहीं पर भी मेरा भरोसा टूट नहीं रहा है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चढ़ रहा है बुखार, अकेला है कमरे में अकेला हूँ, गोली खा ली, बुखार की बुखार नहीं उतर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था और 5 या 6 दिन लगातार मैं बुखार में था, और मैंने टेस्ट नहीं करवाया था 5-6 दिन। फिर जब बुखार उतर ही नहीं रहा था, तब मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी टेस्ट करवाने के लिए। मैंने अपनी साधना उससे पहले कंटिन्यूअसली करी थी, हालांकि मैं जिन दिनों फीवर आया उन दिनों में कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो 7 के 7 दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं लेट आई हुआ हूँ और भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, दवाई ला दो ये कर दो। आई स्टेड विदाउट विदाउट दवाई विदाउट मेडिसिन दोज 4 और 5 डेज, 5-6 दिन मैं ऐसे ही रहा। और फिर एक दिन जाके, फिर जिस दिन टेस्ट करवाया, फिर एक बुखार की गोली खाई थी, उसके बाद मेरा बुखार वैनिश हो, उसके बाद मेरा बुखार ख़त्म हो गया था। सो दिस इज़ वॉट साधना कैन डू टू यू। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। उससे केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दिस इज़ रिक्वायर्ड। माइंड हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट यू। इफ यू पुट एफर्ट्स इन टू योर साधना, यू रिमेन इफ यू रिमेन कंसिस्टेंट, देन यू विल सी दी रिजल्ट। योर साधना विल शो इमेंस सपोर्ट टू यू, इमेंस। ऐसा सपोर्ट कोई भी नहीं दे सकता आपको, कोई भी नहीं दे सकता जो आपकी साधना दे रही है। साधना इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन रिलाई ऑन इट, यू कैन रिलाई ऑन इट, बिकॉज इट विल रिमेन विद यू फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, इट विल रिमेन विद यू, इट हैज़ टू रिमेन विद यू। चाहे आप अपना साथ छोड़ दोगे, लेकिन आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने अंदर बिठा लें, और डेली लेवल पर कंसिस्टेंटली खाना छूट जाए पर साधना ना छोड़े, क्योंकि खाना तो आप दोबारा खा के बॉडी रिकवर कर लोगे, पर जो साधना आपकी बॉडी में ग्रोथ उन दिनों लेकर आ सकती थी, आप वो ग्रोथ को छोड़ सकते, छोड़ दोगे। इसीलिए डेली बेसिस पर साधना करनी है। नींद छोड़ दो बट सुबह उठ के साधना करनी है। एक दिन तो ऐसा था कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, रात भर वहाँ जगा रहा, कमरे पर आया सुबह 7 बजे, नहाया धोया, 11 बजे तक अपनी साधना करी, अनमर्दना निश्चा केवल भूत शुद्धि शाम्भवी योगासना, हाँ भूत शुद्धि योगासना शाम्भवी, रात को 10 या 11 बजे तक उठा रहा, फिर अगले दिन से सेम चीज़ शुरू। दिस इज़ द स्ट्रेंथ दैट साधना की। हाँ मुझे नींद आ रही थी, ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है, पर आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, दैट इज़ इट। सो अगर आपको करना है तो आप करेंगे, नहीं करना है तो बहाने, करने के बहाने भी हज़ार, करने के बहाने ढूंढो, ना करने के बहाने तो हज़ार है, आपका माइंड 1000 बहाने आपके सामने लेकर आएगा। सो दिस इज़ ऑल वट आई वॉन्टेड टू शेयर, और प्लीज़ प्लीज़ अपनी साधना कभी ना छोड़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।